इस वक्त मैं कालाम से तकरीबन 3 किलोमीटर नीचे मौजूद हूँ। यहाँ हमारे साथ DEO मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उस शदीद बर्फबारी में वो कालाम क्यों आई है, किस चीज़ के लिए, ये इनसे जानते हैं। आप मैडम ये बताएं कि आप क्यों शदीद बर्फबारी में आ पाए? जी, बहुत शदीद बर्फबारी है, मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा है। काफ़ी मुश्किलात के बावजूद यहाँ पर हम एक स्कूल की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, उसकी साइट लोकेशन के लिए हम गए थे। साइट हमने इंस्पेक्ट कर लिया है और यहाँ के बच्चों के लिए, जैसा कि स्कूल नहीं था, प्राइमरी स्कूल, तो उसकी वजह से हम जो हैं इस बहुत सख्त मौसम में आए हुए हैं, क्योंकि अगर हम अभी अपने आप को तकलीफ़ में ना डालते तो ये स्कीम जो है हमसे किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट को या किसी और हल्के को मिल जाता। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के बच्चियों के लिए ज़रूरत है, तो चाहे ड्यूटी हम जिस तरह भी मौसम हो, हम अपनी तन मन धन की बाजी लगा रहे हैं और अपनी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, अपनी एजुकेशन तालीम के लिए जो है हम कोशाएँ हैं कि हमारे जो बच्चियाँ जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तालीम की सहूलत से जो है वो महरूम ना हो। स्कूल की छुट्टियाँ भी है मैडम? जी बिल्कुल, स्कूल की तो छुट्टियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर हम ज़मीन देखने के लिए गए हैं कि ये ज़मीन जो है इस स्कूल की फिजिबिलिटी, उसकी चेक करने के लिए हम गए थे। तो इसमें बच्चों का होना या ना होना इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, ये बताए बहसियत एजुकेशनिस्ट, आप ये बताए बर्फबारी हो रही है तो आपको ये मौसम कैसा लगा, किस तरह लगा, और क्या पैगाम देना चाहेंगे दीगर पाकिस्तानी बहन भाइयों? मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन बर्फबारी हो रही है, रास्ता भी बड़ा बहुत तकलीफ़ दे था, रोड भी सही नहीं था और हम ऊपर पहाड़ियों पे चढ़े हैं और तकरीबन हमारा 1.5 घंटा जो है पहाड़ी पर ऊपर चढ़ते चढ़ते हमारा गुजर गया है। अच्छा। तो बहुत तकलीफ़ के साथ हम गुजर रहे थे, तो हम यही नोट कर रहे थे कि हमें एक दफ़ा जाने में वहाँ पर तकलीफ़ हो रही है, जो वहाँ के लोग वहाँ पर रह रहे हैं और उनके लिए स्कूल नहीं है और वो चाहते भी हैं, वहाँ की कम्यूनिटी के साथ हम मिले हैं तो बहुत खुश हुए हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। तो हमें अपने जो है अपनी कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि तालीम जो है, तालीम से ही कौमें बनती है और तालीम की राह में जो है हमें जितनी भी रुकावटें, मुश्किलात पेश हों, उनका सामना करना चाहिए, हिम्मत के साथ उनका मुकाबला करना चाहिए, सब्र तहमुल का मुजाहरा करना चाहिए और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने हमारे DEO की बातें सुनी, एक खातून होकर वो इस शदीद बर्फबारी में यहाँ पर पहुँची है और आपने हमारे बच्चों के लिए, ताकि उनका मुस्तकबिल जो है ना वो रोशन, अगर हम इसी तरह अपनी ड्यूटियों को अदा करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि